11 सोने का अंडा। बच्चों सुन लो नई कहानी, यूं हंस करके बोली नानी। बहुत दिनों की बात बताऊं, सच्चा सच्चा हाल सुनाऊं। एक बहुत था लोभी भाई, जिसकी ज्यादा थी न कमाई। रूखी सूखी रोटी खाता, दुख से अपना समय बिताता। पर किस्मत ने पलटा खाया, लोभी के घर में धन आया। उसने मुर्गी पाली एक, जो थी सीधी अति ही नेक। ज्यों ही होता रोज सवेरा, वह करती कुकड़ू कुटेरा। दो सोने के अंडे प्यारे, देती थी वह उठ भिनसारे। जब लोभी ये अंडे पाता, खुशी खुशी में समय बिताता। पर लोभी जी में ललचाया, यह विचार उसके मन आया। क्यों न मार मुर्गी को डालूं, सारे अंडे साथ निकालूं। हो जाऊंगा माला माल, हटे रोज का यह जंजाल। लोभी फौरन चाकू लाया, मुर्गी मारी खून बहाया। अंडा एक न उसने पाया, रो रो बहुत बहुत पछताया। नमस्ते साथियों, इस कविता को अभी इस वीडियो के माध्यम से सस्वर वाचन करके बताया। और साथियों, कविता का नाम है सोने का अंडा। हमारे बहुत सारे साथी निश्चित तौर से समझ गए होंगे कि ये किस पाठ्य पुस्तक की कविता है। साथियों, ये पुराने जमाने की बाल भारती पाठ्य पुस्तक है, जैसा कि आप कवर पेज देख पा रहे हैं, बाल भारती कक्षा 2। और साथियों, यहाँ पर कक्षा 2 जो लिखा हुआ, 2 अंक जो है ये देवनागरी लिपि का अंक है। और उस समय पर प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में देवनागरी लिपि के ही अंक चला करते थे। तो साथियों, इस बाल भारती पुस्तक में बहुत ही मजेदार पाठ, मजेदार कविताएं दी गई हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने काफी कुछ कविताओं के बारे में, पाठों के बारे में आपको जानकारी दी है, और इस वीडियो के माध्यम से इस कविता के बारे में बताने का प्रयास किया है। और साथियों, आपने देखा होगा कि जो भी साथी, जिन भी साथियों ने इस कविता को पढ़ा है या इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ा है, तो उसको एक कविता रटी हुई है। और आज भी हम उसी लय में इसको गा सकते हैं, इसको दोहरा सकते हैं, इसका सस्वर वाचन कर सकते हैं। आइए साथियों, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने स्वयं के बच्चों के लिए हम इसका अर्थ जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाठ 11 सोने का अंडा, अर्थात इस पाठ यानी इस कविता का नाम है सोने का अंडा है। और ये जो कविता है, एक कहानी है, अर्थात कहानी को कविता के रूप में रचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नानी जो है वो अपने नवासों से, अपने पोते पोतियों से कहती है कि बच्चों, मैं तुमको एक नई कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, और हंस करके वे कहानी बताना प्रारंभ करती है कि बहुत दिनों पहले की बात है और मैं आपको बता रही हूं, और उस कहानी का पूरा सच्चा सच्चा जो हाल है वो सुना रही हूं। तो नानी आगे बताती हैं कि एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही लोभी था, और उस लोभी व्यक्ति की कोई ज्यादा कमाई नहीं थी। बेचारा रूखी सूखी रोटी खा करके अपना समय बिता रहा था, और उसका समय बड़ा दुख से बीतता था। ठीक है, किंतु आगे क्या हुआ, उसकी किस्मत अचानक बदल गई, यानी किस्मत ने पलटा खाया, यानी अचानक किस्मत बदल गई, और उस लोभी के घर में कुछ धन आ गया। और उस धन से फिर उसने क्या किया, एक मुर्गी पाल ली। और जो मुर्गी थी वो बड़ी ही सीधी थी, बड़ी नेक मुर्गी थी। जैसे ही वह सवेरा होता था और वह कुकड़ू कू करके बोलती थी, कोक कोक करके बोलती थी, और इसी तरह से भिनसारे ही वह 2 सोने के अंडे दे देती थी। ठीक है, जब लोभी जो व्यक्ति है वो सोने के अंडे प्राप्त करता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह लोभी और उसके हाथ में सोने के 2 अंडे हैं। ठीक है, और जब ये 2 सोने के जब अंडे उसको मिल जाते थे, तो बड़े खुशी खुशी में फिर अपना वो समय बिताता था। पहले जब वह गरीब था, जब उस पर धन नहीं था, तो वह दुख से अपना समय बिताता था, किंतु जैसे ही उसको 2 सोने के अंडे मिलने लगे, तो वह खुशी खुशी अपना समय बिताने लगा। फिर आगे क्या हुआ, ये जो लोभी है, इसके मन में लालच आ गया। क्या लालच आ गया, उसके मन में एक विचार आया कि भैया क्यों ना मैं मुर्गी को मार दूं, और एक साथ सारे अंडे जो इसके अंदर सोने के अंडे भरे हुए हैं इस मुर्गी के अंदर, उन सारे अंडों को बाहर निकाल लूं, ऐसा उसके मन में विचार आया। ठीक है, और जो ये जो एक ही साथ में, एक ही बार में मैं पूरा माला माल हो जाऊंगा, एकदम धनवान हो जाऊंगा, और रोज रोज का 2 सोने के अंडे मिलना, रोज रोज की झंझट जो है, इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। फिर आगे क्या हुआ,
लोभी ने क्या किया, तुरंत ही एक चाकू लेके आया और मुर्गी को मार दिया और इस तरह से मुर्गी का ढेर सारा खून बहने लगा। और फिर क्या हुआ, उसने जब मुर्गी को मारा, देखा अंडे अंदर होंगे, तो अंडे तो कुछ भी अंदर नहीं थे। इस तरह से मुर्गी मर गई और जो लोभी था वह रो रो करके बहुत बहुत पछताने लगा कि कहां के कहां मैंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार दिया। तो साथियों और बच्चों, अगर बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए है कि इस कविता से एक प्रेरणा भी मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। यदि हमें कहीं किसी स्रोत से कुछ प्राप्ति हो रही है, कुछ मिल रहा है, तो हमको एक साथ पूरा का पूरा प्राप्त करने की नहीं सोचना चाहिए। एक कहावत भी है, आधी छोड़ सारी को धाए, आधी मिले न सारी पाए। तो इस तरह से इस कविता से एक प्रेरणा मिलती है और बहुत ही मजेदार कविता है। इस कविता को जब हम सहस्वर वाचन करते थे, यानी सारे बच्चे एक साथ जब गाते थे, तब बड़ा ही आनंद आता था। और यहां देखिएगा, इस पाठ पुस्तक में नीचे प्रश्न और अभ्यास भी दिए गए होते थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पढ़ो लिखो, ठीक है, फिर याद करो, यानी यहां पर जो शब्दार्थ हैं वो दिए गए होते थे, फिर बोध अनुभूति के अंतर्गत प्रश्न दिए गए होते थे। और आप यहां पर देख रहे हैं सभी जो अंक हैं गणित के, ये देखिएगा, ये अंक, ये सभी देवनागरी लिपि के अंक हैं, हिंदू अरेबिक अंक बिल्कुल नहीं चलते थे, ठीक है। तो ये अभ्यास, फिर भाषा अध्ययन और योग्यता विस्तार, इस तरह से अभ्यास भी इसमें दिया गया होता था। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इस पुराने जमाने की पाठ पुस्तक के इस पाठ को आपके सामने मैंने प्रेषित किया है और निश्चित तौर से इस पाठ के माध्यम से आपके विद्यार्थी जीवन की यादें ताजा हुई होंगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।